गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग जो तीसरा हमारा ये वीडियो है, थर्ड पार्ट है, क्लास टेन के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे उस वीडियो में। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन को पढ़ाया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ाया, रिफ्लेक्शन के टाइप्स बताए। दो तरह के टाइप्स हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, इसको पढ़ाया। इसके बाद अब हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो क्या है, इमेज जिसको क्या कहते हैं, तस्वीर कहते हैं, जिसको प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, आपने देखा होगा कि अलग अलग शेप का जो, अलग अलग साइज का जो, अलग अलग डिज़ाइन का जो सरफेस होता है, उस सरफेस पर आपका इमेज बनता है। सरफेस पर इमेज बनता है, राइट। घंटी साइकिल की है, उसके ऊपर में आपका इमेज वहाँ पर बनता है। प्लेट है, स्पून है, वहाँ पर बनता है। इवन कि आप कार का हैंडल है, उसके उसका जो है जो हैंडल है, उस पर चमकीला पार्ट है, उस पर आपका इमेज बनता है। आप वाटर पे से झांक करके देखिए, तो वाटर के सरफेस के ऊपर भी आपका इमेज फॉर्म होगा, हमको दिखेगा। लेकिन सभी इमेज को देखा, उन सब में एक चीज आपको लगेगा क्या, कि जितना आप शेप का यूज कर रहे हैं सरफेस, आपका इमेज उतना ही टाइप का बन रहा है। किसी में ये कान बड़ा वाला होगा एलियन की तरह, किसी में मुंह बड़ा सा होगा एलियन की तरह, राइट। ऐसा लगेगा कहीं जंगल से भाग करके आए हैं। हाँ, मतलब क्या होगा कि आपको ही आपकी तस्वीर अजीब सी दिखाई पड़ेगी। तो वो क्या है, रिफ्लेक्शन सरफेस के डिजाइन पर, नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है। इसी वजह से क्या होगा, हमको जो हमारा ही शेप, हमारा ही साइज, हमारी ही तस्वीर हमें दिखाई सही नहीं पड़ती है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक शेडो यूज करते हैं, एक इमेज यूज करते हैं। शेडो अलग चीज है, इमेज अलग चीज है। शेडो क्या है कि जब किसी लाइट सोर्स से लाइट जब निकलती है और किसी आप सेकेंड मीडियम को, किसी ओपेक मीडियम को वो क्रॉस नहीं करती है, उसी साइज का एक डार्क रीजन को फॉर्म करती है, तो शेडो हो गया। जिस पर लूनार इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स क्या होता है, बेस्ड है, उसी को वर्क करता है सेम। लेकिन क्या ये हमारा इमेज है, इमेज अक्सर बोलते हैं कि हमारा इमेज खराब हो गया। इमेज खराब नहीं हुआ बच्चों, इमेज जो है वो क्या है, तस्वीर है। इमेज क्या है, तस्वीर है। किसकी तस्वीर, आपने देखा होगा अपने घर में लगे हुए मिरर पे, जो मिरर सुबह सुबह उठ करके देखते हैं मिरर अपनी तस्वीर को। हाँ, आप जहाँ पे खड़े होते हैं तो आपका इमेज फॉर्म होता है, हमने देखा इमेज को, ठीक है। वो हमारा शैडो नहीं, वो हमारा इमेज है, राइट। तो इमेज क्या है, इमेज के डिफिनेशन में, फिजिक्स के डिफिनेशन के हिसाब से इमेज उसको कहते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हेन टू एंड मोर लाइट रेज आर इंटरसेक्ट, दिस फॉर्म एन इमेज, दिस फॉर्म्स एन इमेज। ये क्या करता है, एक इमेज को फॉर्म करता है। जब दो लाइट रेज आपस में क्या होता है, इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट कैसे करेगा, जैसे मान लेते हैं कि ये यहाँ पर है लाइट आई, ऐसे यहाँ पर आया ऐसे लाइट आई, ऐसे आने के बाद क्या होगा, ये आपस में इंटरसेक्ट करेगा। जहां पर इंटरसेक्ट करेगा बच्चों, तो वहीं पर क्या होगा, इमेज फॉर्म करेगा। तो इमेज के लिए क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन टू एंड मोर लाइट रेज आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, नॉट बिफोर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉर्म्स एन इमेज। ये इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। इमेज कितने तरह का होगा बच्चों, एक होता है रियल इमेज, एक क्या होता है, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। जैसे आजकल वर्चुअल मीटिंग करते हैं हम लोग, उसी तरह से ये क्या है, वर्चुअल इमेज है। और रियल इमेज किसको कहेंगे, जो रियल में किसी लाइट के इंटरसेक्शन से, लाइट के कटने से आपस में बनती है, ऐसा प्रतिबिंब, इसको कहते हैं प्रतिबिंब, ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तविक रूप में किरणों के कटने से बनती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज को ही क्या कहते हैं हम लोग, इमेजिनरी इमेज भी कहा जाता है बच्चों, इमेजिनरी, वैसा इमेज जिसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, ऐसा प्रतिबिंब जो किसी किरणों के काल्पनिक रूप में कटने से प्राप्त होती है, कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद, समझ गए बात को। तो रियल इमेज जो होगा वो क्या होता है, उल्टा होता है, उसका हेड किधर होगा, डाउन होगा। और जो वर्चुअल इमेज होगा वो क्या होगा, वो इस तरह से होगा, उसका हेड ऊपर होगा। ये डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं बच्चों, क्यों, क्योंकि ये हम इमेजिन करते हैं कैसा बन रहा है, इनफैक्ट ऐसा नहीं है। हमने देखा क्या, एक कनकेव मिरर लेते हैं, कनकेव मिरर में क्या होगा, लाइट रेज जब आती है, हाँ, इनफाइनाइट से, तो ऐसे कट करके यहाँ पर कटती है, तो इमेज कहाँ पर फॉर्म हुआ, उसके फोकस पर फॉर्म हुआ। तो ये इमेज रियल में होगा, व्हाई, बिकॉज
ये रियली कैमरा इंटरसेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर इसी के केस में क्या करते हैं, एक क्या लेते हैं, एक कन्वेक्स मिरर लेते हैं, कन्वेक्स मिरर में लाइट देखिए ऐसे आएगी और रिटर्न हो जाएगी अपने सरफेस से। लेकिन क्या होगा, जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कहीं पर से वो आता हुआ मालूम हो रहा है। इसलिए मैंने कहा था ये कन्वर्जेंट रे है, ये डाइवर्जेंट रे है। सीधी बात यह है, ऐसा इमेज जो किसी कन्वर्जिंग रे के आपस में इंटरसेक्शन से बनता है उसी को रियल इमेज कहते हैं, और जो डाइवर्जिंग रे के आपस में इंटरसेक्शन से बनता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, वर्चुअल इमेज कहते हैं। आई बस समझ में ऐसा प्रतिबिंब जो किरणों के वास्तविक रूप में कटने से बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब जो किरणों के काल्पनिक रूप में काल्पनिक तौर पर कटने से बनता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, एक इरेक्ट होगा एक इन्वर्टेड होगा। समझ गए दोनों में डिफरेंस। तो यही इमेज का यूज करते हुए हम जो पढ़ेंगे बच्चों, हम जो पढ़ेंगे सो मेनी काइंड्स ऑफ मिरर्स, कई तरह का मिरर हमारे जो डेली लाइफ में जो यूज करते हैं उसमें हम कई तरह के मिरर को देखते हैं। हम अपने घर में देखते हैं प्लेन मिरर, क्लास लोअर क्लास में पढ़े होंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, यहाँ पर भी उसको डिटेल पढ़ना उसी स्फेरिकल मिरर का है। इनफैक्ट में हमको वैसी के बारे में पढ़ना ज़्यादा मतलब एलोबरेट करके पढ़ना, पूरा चैप्टर उसी पर बेस्ड है, कन्वेक्स लेंस कन्केव लेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम मिरर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये तो इमेज समझ में आ गया है। अगर आपको नोट्स, जो आलसी लोग हैं, आलसी बच्चे हैं, जो लेजी बच्चे हैं, उसको नोट्स की जरूरत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे नोट्स ले सकते हैं, आप मांग सकते हैं। डायरेक्ट आपको पीडीएफ देंगे, कोई लिंक नहीं देंगे जिस लिंक पर जाकर डाउनलोड करिए, हम डायरेक्ट आपको चैप्टर का नोट्स देंगे जो आलसी बच्चे हैं उसके लिए है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करिए नोट्स चाहिए। ठीक है, आप कॉन्टेक्ट नंबर देंगे आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स चला जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, आलसी बच्चे के लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं क्या मिरर जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं दर्पण। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, दर्पण। उर्दू में क्या कहते हैं, आयना। और हमेशा हम लोग क्या करते हैं, आयना देखते हैं। ठीक है, आयना हमेशा देखते हैं, सुबह देखेंगे, रात में सोते टाइम जाएंगे देखेंगे क्या हमारा स्मार्टनेस कम हुआ या ज्यादा हुआ पता नहीं। ठीक है, तो मिरर का हम लोग यूज बहुत करते हैं। पहली बात, मिरर होता क्या है, मिरर है क्या, मिरर एक ग्लास का एक पीस ऑफ ग्लास है, कांच का टुकड़ा है। एक कांच के टुकड़े पर क्या कर दिया गया, उसके एक सरफेस को पॉलिश कर दिया गया। एक सरफेस को जैसे पॉलिश किया गया तो यहाँ दो सरफेस है, एक मतलब एक ग्लास पर दो सरफेस है। सामने वाला जो सरफेस है ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कौन है, परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, और दूसरा जो बच्चों है वो क्या है, पॉलिश सरफेस। ये क्या है, पॉलिश सरफेस। दो सरफेस है तो लाइट को जाने से रोकता है तो कौन है, वो पॉलिश सरफेस। तो कांच का वह टुकड़ा जिसकी एक सतह परावर्तक होती है उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। द पीस ऑफ ग्लास व्हिच हैज वन सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड मिरर। द मिरर क्या है, प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है। इट वर्क्स ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैसे काम करता है बच्चों, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर काम करता है। ये किस पर काम करेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर काम करता है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन ही होता है क्योंकि लाइट ये वैसे आएगी, ये लाइट को क्रॉस नहीं करने देगा, कहेगा नहीं तुम्हारे जाने का परमिट नहीं है तो रिटर्न हो जाओ, तो लाइट रिटर्न हो गई। ऐसे इसी घटना को तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि लाइट जब किसी सरफेस पर आ रही है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे किसी एक पॉइंट पर पड़ता है, जिसको हमने किस में पढ़ा है, हमने पढ़ा है आपके सेकंड लॉ ऑफ किसमें, रिफ्लेक्शन में। हमने सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, हाँ ऑल आर लाइंग इन सेम प्लेन सेम पॉइंट, सभी क्या है सेम प्लेन और सेम पॉइंट में लाई करते हैं। ठीक, तो यहां पर देखिए मिरर क्योंकि रिफ्लेक्शन के लॉ पर बेस्ड है, इसी वजह से मिरर का जो यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत अच्छे तौर पे करते हैं। कई जगह पर मिरर का यूज सोलर कुकर में करते हैं, हेडलाइट में करते हैं, हाँ उसका साइड मिरर के फॉर्म में करते हैं, इवन के टेलीस्कोप में करते हैं। ठीक है, उसका कैलिडोस्कोप है उसमें करते हैं, कई जगह हम इसका यूज करते हैं। तो मिरर को देखिए दो हिस्से में नहीं तीन हिस्से में बांट दिया गया है बच्चों। मिरर कितने तरह का होगा,
तीन तरह का होगा, ठीक है। पहला होता है प्लेन मिरर, जिसको हिंदी में कहते हैं समतल दर्पण, प्लेन मिरर समतल दर्पण। दूसरा क्या होगा, स्फेरिकल मिरर, जिसको क्या कहते हैं गोलीय दर्पण, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो बच्चों वो होता है पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक पैराबोलिक मिरर, जिसको परवलय दर्पण कहते हैं, पैराबोलिक मिरर, ठीक है। ये तीन तरह का मिरर होगा। जिस मिरर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो स्फेरिकल मिरर को पढ़ेंगे। ये स्फेरिकल मिरर क्या है, ये दो तरह का होगा, एक को कहते हैं कन्वेक्स मिरर, एक होता है कनकेव मिरर। या तो कनकेव को पहले लिख देते हैं या हमारा कन्वेक्स को पहले लिख देते हैं, दो तरह का मिरर होगा, ठीक है। यहाँ पर है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, ये दो तरह का मिरर है। इसी दो मिरर को हम क्या करते हैं पढ़ते हैं। कनकेव मिरर जिसको हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण, इसको कहते हैं समतल दर्पण, इसको गोलीय दर्पण, परवलय दर्पण। ये हमारा क्या अवतल दर्पण, ये हमारा उत्तल दर्पण। तो डिजाइन अलग अलग है। कैसे, प्लेन मिरर होगा तो जिसका सरफेस क्या होगा बच्चों, समतल होगा, मतलब एक हिस्सा क्या उसका पॉलिश क्या हुआ, दूसरा हिस्सा क्या हमारा समतल प्लेन है, समतल पार्ट है, ऐसा मिरर क्या कहलाएगा, समतल दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है, एक एग्जांपल में क्या करेंगे, मान लेते हैं क्या करें, एक बॉल ले लेते हैं, किसका एक बॉल ले लेते हैं, गिलास का, कांच का एक बॉल ले लेते हैं। उस बॉल को क्या करो, बीच से काट लो, ऐसे तो टूट जाएगा, लेकिन मान लेते हैं काट दिया, काट दिए, दो पार्ट मिला, एक पार्ट को क्या किया हम लोग बाहर से पेंट किए, बाहर से पेंट किए, और एक पार्ट को क्या किया अंदर से पेंट किए। दो पार्ट हमारे पास मौजूद है, एक पार्ट जिसको हमने बाहर से पॉलिश किया था, सॉरी अंदर से पॉलिश किया था, उसका बाहरी सरफेस क्या रिफ्लेक्टिंग है, कौन सा सरफेस है, बाहरी सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। ऐसा ऐसा जो मिरर होगा उसको कहते हैं कन्वेक्स, क्या कहते हैं कन्वेक्स। दूसरा क्या है, जिसका अंदर का हिस्सा क्या है रिफ्लेक्टिंग है और बाहर का हिस्सा पॉलिश है, उसको कहा जाता है कनकेव, कनकेव। आई बात समझ में, एक होगा कन्वेक्स एक होगा कनकेव, जिसमें बाहरी हिस्सा पॉलिश होगा होगा कनकेव, जिसका अंदर का हिस्सा पॉलिश होगा होगा कन्वेक्स। वो एक टेनिस बॉल गोल वाला उसको काटेंगे तो दो हिस्सा मिलेगा, एक को अंदर से पॉलिश करे, एक को बाहर से पॉलिश किए, दोनों को पॉलिश करने से क्या होगा, दोनों में दोनों का डिजाइन अलग अलग हो गया, दोनों का रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक आउटर है एक इनर है, इसलिए दोनों एक कनकेव कहलाएगा एक कन्वेक्स कहलाएगा। आइए बात करते हैं हम किसकी, पैराबोलिक मिरर की। पैराबोलिक में क्या होगा, यहाँ पर भी दो तरह का होगा, एक होगा कनकेव पैराबोलिक, एक होगा कन्वेक्स पैराबोलिक, कनकेव पैराबोलिक। दूसरा क्या होगा, कन्वेक्स पैराबोलिक। दूसरा क्या होगा, कन्वेक्स पैराबोलिक, पैराबोला से बना पैराबोलिक। पैराबोला किसको कहते हैं बच्चों, क्लास आपके स्टैंडर्ड में तो नहीं पढ़ाया जाता पैराबोला किसको कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए पैराबोला किसको कहा जाएगा। तो हकीकत यही है कि हम जो फैक्ट पर जो आपसे बात कर रहे हैं पैराबोलिक का, आपने अक्सर देखा होगा क्या इस टाइप का शेप देखा होगा, इस टाइप का शेप। अगर इसको हम इससे काट दें, यहाँ पर भी दो हिस्सा मिला हमको, एक हिस्से को फिर अंदर से पॉलिश करें, हाँ फिर एक इसको बाहर से पॉलिश कर रहे थे, यहाँ पर भी कनकेव कन्वेक्स होगा। जैसे हम आपके पास एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं कि हमारे पास गाड़ी जो हेडलाइट है, गाड़ी कार का हेडलाइट है, आजकल जो मॉडर्न हेडलाइट आ रहा है वो क्या आ रहा है, पीछे की तरफ ऐसे खींचा हुआ रहता है। या नहीं तो आप फॉरेन कंट्री वाला टॉर्च देखेंगे, उसका जो हेडलाइट होगा पीछे की तरफ खींचा हुआ है, तो उसका शेप कैसा है, पैराबोलिक कन्वेक्स कनकेव है। उस पर लाइट जब हम जलाते हैं ना, उसका फोकस काफी दूर तक जाता है, काफी दूर तक फोकस जाने के लिए हम इस तरह के शेप का यूज करते हैं, तो ये हम पैराबोलिक यूज करते हैं। इसमें दो तरह का, यहाँ पर भी होगा कनकेव पैराबोलिक, इस तरह से थोड़ा सा हाँ ऐसे चपटा सा होगा, ठीक है। और जो कनकेव पैराबोलिक होगा वो क्या होगा, वो इस तरह से होगा, और जो कन्वेक्स पैराबोलिक होगा वो अंदर से पॉलिश किया होगा, ऐसे होगा, ठीक है, राइट। तो अब हम जो पढ़ने वाले हम क्या है, हम जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो क्या है कि प्लेन मिरर के बारे में कुछ हम लोग, ठीक है,